एक और बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जारी है। आपको बता दें कि आज से जब सदन का सत्र शुरू होना है, जहां एक ओर लगातार ये मांग की जा रही है कि दिल्ली हिंसा को लेकर सरकार जवाब दे, वहीं दूसरी ओर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी मुद्दे पर वो बातचीत के लिए, बहस के लिए तैयार। और हमारे संवाददाता रविकांत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। रविकांत, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस वक्त ये बैठक संसद भवन में प्रधानमंत्री के रूम में चल रही है, जिसमें मोदी कैबिनेट के टॉप मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी मौजूद हैं। दूसरे सत्र का ये जो पहला दिन है, इसमें विपक्ष के जो तेवर हैं वो बहुत आक्रामक हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेड हुई है, उसको लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा तल्ख है, और इसके अलावा दिल्ली में जो हिंसा हुई है उस पर अमित शाह को घेरने की पूरी तैयारी है। ऐसे में सरकार की रणनीति क्या होगी, इस बात को लेकर ये बैठक चली है कि किस तरीके से विपक्ष के हमले को कुंद किया जाए। सरकार ने ये बोला है कि वो हाउस के अंदर हर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सारे चर्चे नियम के मुताबिक होंगे, यानी स्पीकर जिस पर अलाउ करेंगे उस पर सरकार रिप्लाई करने के लिए तैयार है। आप नजर रखिएगा रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। टीएमसी के सांसदों ने काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया है, तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। संसद भवन के पास गांधी मूर्ति के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, विपक्ष को कैसे संभाला जाए इस पर मंथन चल रहा है, और दूसरी ओर गांधी प्रतिमा के सामने टीएमसी के तमाम सांसद मौजूद हैं, जो आज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आंखों में पट्टी और मुंह पर उंगली रखकर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं है।